सो हाय एवरीवन, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, जो अपने घर में इन्वर्टर वायरिंग होता है दोस्तों, उसमें हम लोग कितने एमएम का वायर यूज करते हैं दोस्तों, और क्यों यूज करते हैं दोस्तों, हम लोग को कितना एमएम का वायर यूज करना चाहिए उसमें, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले दोस्तों। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो अपना है दोस्तों, वो अपना इन्वर्टर वायरिंग में कितने एमएम का वायर यूज करना चाहिए। सबसे पहला तो हम लोग का दोस्तों अपने लोड के हिसाब से, जितना हम लोग का लोड होगा, जैसे हम लोग का घर हो गया, घर में हम लोग का एक रूम है तो हॉल है, जैसे हम लोग का हॉल हो गया और एक रूम हो गया, बाकी किचन बाथरूम ये सब रहता है, इनमें हम लोग का दोस्तों 1.5 एमएम का वायर यूज करते हैं दोस्तों, जो अपना अंडरग्राउंड वायरिंग होता है। जैसे हम लोग का कटिंग होके वायरिंग हो रहा है दोस्तों, हम लोग वॉल कटिंग करके पाइपिंग करते हैं, पाइपिंग करने के बाद वायरिंग करते हैं, तो उसमें हम लोग दोस्तों 1.5 एमएम का वायर इन्वर्टर का यूज करते हैं दोस्तों। और ऐसे अपना जो है उसमें हम लोग का पट्टी वायरिंग है, जैसे मान लो जो केसिंग पट्टी वायरिंग होता है दोस्तों, उसमें हम लोग कौन सा एमएम का वायर यूज करेंगे, उसमें भी हम लोग 1.5 एमएम का वायर यूज करेंगे दोस्तों। दोनों सेम ही रहेगा, जो अपना एक रूम रहेगा और हॉल रहेगा, किचन बाथरूम, इसमें हम लोग का सेम ही लोड रहेगा, तो उसमें हम लोग 1.5 एमएम का वायर यूज करेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो अपना 4 रूम 6 रूम 8 रूम रहता है दोस्तों, इनमें हम लोग कितने एमएम का वायर यूज कर सकते हैं, जो अपना इन्वर्टर वायरिंग होता है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों जो अपना 4 रूम रहता है, मतलब 4 रूम हम लोग का 4 रूम है, एक हॉल है, किचन है, बाथरूम है, इन सब में हम कितने एमएम का वायर यूज कर सकते हैं, जो अपना इन्वर्टर लगता है, इन्वर्टर में हम लोग 1.5 एमएम का वायर यूज कर सकते हैं दोस्तों। आपको जैसे किस कारण से यूज करना है, जैसे हम लोग का लोड के हिसाब से हम लोग वायर डालते हैं दोस्तों। जो अपना लोड होता है, लोड में हम लोग का क्या रहता है, जैसे हम लोग का रूम हो गया, किचन हो गया, बाथरूम हो गया, इन सब में जो अपना लोड रहेगा, सिंगल सिंगल एक एक बल्ब, और जो अपना फैन रहेगा वो अपना रूम में ही चलना है, अपना हॉल में ही चलना है, तो इन सब में हम लोग सबरे डाल के जो अपना एमसीबी रहेगा, एमसीबी से कनेक्टर लगा के, एमसीबी लगा के अपना जो इन्वर्टर रहेगा, इन्वर्टर से 2.5 एमएम ले आएंगे, 2.5 एमएम ला के अपने एमसीबी में डाल के, एमसीबी से आउटपुट जो निकलेगा वो 1.5 एमएम का निकलेगा, जो अपना सबरेट जाएगा, तो उसमें हम लोग का लोड डिवाइड हो जाता है, अपना एक ही रूम का लोड एक वायर पे चलेगा, जो अपना 1.5 एमएम करेगा अपना एक ही वायर पे चलेगा। तो इससे दोस्तों हम लोग जो 4 रूम का कर सकते हैं, अपना 8 रूम का कर सकते हैं, अपना 1 रूम का कर सकते हैं, इसी हिसाब से हम लोग वायरिंग कर सकते हैं इन्वर्टर का। तो ऐसे दोस्तों हम लोग इन्वर्टर वायरिंग करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं अगले वीडियो में।